हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं भी जग चुकी हूँ। भगवान का नाम लेना भी मेरा हो गया है और मेरा दिन का शुरुआत साईं के दर्शन से ही होता है। फिर मैं घर का कामों में हाथ लगाती हूँ। और देखिए, मेरा बेटी भी अभी सो रही है। इन दोनों भाई बहन लोग कल बहुत रात तक बातचीत कर रहे थे। आज लगता है इन लोग थोड़ा लेट से ही जागेंगे। मैं अभी मेरा काम चालू करती हूँ। सुबह में बहुत काम रहता है और मैं इसीलिए जल्दी जागती हूँ, जल्दी काम भी हो जाता है। अभी मैं भगवान का कपाट खोल देती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, भगवान का कपट खुल चुका है। भगवान को भी जगा दिया। अभी मैं घर का सारे पर्दे हटा देती हूँ ताकि घर में फ्रेश एयर और सनलाइट आ सके। ये मेरा छोटा सा बालकनी है। और ये एक नीलकंठ फूलों का पौधा है। आज 3 ही फूल खिला है। मेरे घर के नीचे बहुत बड़ा सब्जी मंडी लगता है। अभी मंडी शुरू हो रहा है। मुझे भी जाना है सब्जी लेने के लिए। थोड़ा देर बाद में निकलूंगी। और अभी मैं अपना पति को जगा देती हूँ। उसको भी 8:30-9 बजे तक निकलना रहता है। मैं मच्छरदानी वानी खोल देती हूँ। अब मैं भी फ्रेश हो लेती हूँ। मैं ब्रश व्रश करके फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी मेरा गर्म पानी पीने का आदत है। 1 ही साल से चालू हुआ है। पहले मैं नहीं पीती थी। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं एक आदत बना चुकी हूँ। मैं अभी आराम से बैठ के पानी को धीरे धीरे पीऊँगी। देखिए, मेरा बेटी भी अभी जग चुकी है। अभी वो भी जा रही है फ्रेश होने के लिए। अभी मैं नाश्ता भी बना लेती हूँ। बाद में बात करती हूँ। चलिए, नाश्ता बन चुका है। आज नाश्ते पे है रोटी, आलू का भुंजिया और आम से खाएंगे। हमारा नाश्ता हो चुका है। अब हम लोग, मैं और मेरे बेटी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसे ही टाइम में बारिश शुरू हो गया है। अभी बारिश रुकने के बाद ही हम लोग मार्केट जाएंगे। आज मैं लंच में प्रॉन की डिश बनाऊंगी। चलिए, हमारा लंच बन चुका है। लंच में क्या क्या हुआ है देखिए। प्रॉन का डिश, जो बंगाली में चिंगड़ी माछेर मलाईकारी कहते हैं, और बना है गैटकल का एक भरता और मछली का अंडे का एक पकौड़ा, साथ में है सलाद। अभी हम सब मिल के लंच करेंगे। चलिए, शाम को मिलते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी शाम का 6 बज रहा है तो मैं बच्चे लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी। अभी कुछ टिफिन का कुछ, आज तो ऐसा टिफिन बनाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे लोग को शाम के टाइम कुछ देना पड़ता है खाने का। तो मैं एक फूड से
ऐसे चटपटा कुछ बना देती हूँ। अब देखिए कैसे बनता है, तो मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है। ये है बंगाली में इसको प्यारा कहते हैं और हिंदी में इसको जाम कहते हैं, कोई कोई अमरूद भी बोलते हैं इसको। तो मैं इससे एक चटपटा कुछ शाम का कुछ टेस्टी उन लोगों के लिए बना देती हूँ। और ये बनाने के लिए क्या क्या लगता है मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने दो जामुन लिया है, मतलब जाम ली हूँ, अमरूद, और ये जो चीज़ है ये है कश्मीरी, जो बंगाली लोगों का बहुत पसंद है। ये हर बंगाली घर में रहते हैं ये चीज़। और लगता है ये है नींबू, गंधराज नींबू, और है मिर्ची, और थोड़ा सा इमली का चटनी। ये चटनी को मैं हमेशा घर में रहता है मेरा, फ्रिज में बना के रखती हूँ, क्योंकि 2 महीना 3 महीना के लिए मैं ज़्यादा करके बना के रखती हूँ। कभी कभार लगता है तो इसलिए मैं ये चटनी, इमली का चटनी मेरे घर में हमेशा रहता है। ठीक है, मैं बनाती हूँ, देखिए कैसे करके बनता है खट्टा मीठा अमरूद। मैं पहले काट लेती हूँ, सब मैं धो के रखती हूँ। हर चीज़ को धो के रख के छोटा छोटा पीस करके काटेंगे। सॉरी, मेरा मोबाइल भी चल रहा है, मतलब मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैं कहीं पर टिका के मोबाइल से मैं मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरे बेटी को ये फ्रूट का जो बना रही हूँ, मेरे बेटी को बहुत पसंद है। तो आजकल मैं मेरे बेटी का पसंद कई हर डिश बनाती हूँ, क्योंकि वो अभी छुट्टी पे आई है मेरे पास, और 3-4 दिन बाद वो चली जाएगी। तो मुझे लगा कि शाम को आज यही बना के उन लोगों को खिलाती हूँ। मैं इस बाउल में इसको डाल देती हूँ। बहुत अच्छा से काट गया है, छोटा छोटा पीस है। काटने के बाद ऐसा छोटा छोटा पेड़ काटती हूँ। अब मैं नमक को डालती हूँ। थोड़ा सा मिर्च एकदम छोटा 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 पीस करती हूँ, काट देती हूँ, काटना भूल गई थी। जिसको जैसा तीखा खाना है ऐसा करके ही बनाइए, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, मेरे बच्चे को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं 3 ठू मिर्ची डाली हूँ। मैं पूरा के पूरा इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं नींबू को निचोड़ देती हूँ। मुझे तो अभी पानी आ रहा है मुँह में। और थोड़ा सा इमली का चटनी, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मैं नींबू डाली हूँ, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा अभी। फिर इसका भी थोड़ा खट्टापन है, और मैं इसी को भी डाल देती हूँ। थोड़ा शेक करके लीजिए, क्योंकि नीचे जमा रहता है। इसका भी मैं 2 ढक्कन डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है। पहले मैं इसको पूरा को चम्मच से मिक्सिंग कर लेती हूँ। फिर मैं एक ढक्कन से, ढक्कन के सहारा से मैं इसी को ढक के अच्छा से उबलाएंगे। देखिए, आपको ज़्यादा नरम करके खाना है तो और भी आप लोग ज़्यादा करके हिलाइए। जितना भी आप ज़्यादा हिलाएंगे तो ये नरम होते जाएगा बस। देखिए ऐसा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, टेस्ट करती हूँ।
नमक हुआ या ना नहीं। सब चीज़ अच्छे से हो गया है मिक्स। मैं दूसरा प्लेट में डाल ली हूँ तो बन गया मेरा अमरूद का टेस्टी नाश्ता। आप लोग भी बनाइए, खाइए और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला बार मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है। मेरे बच्चे लोग वेट कर रहे हैं खाने के लिए तो मैं आज चलती हूँ। क्या अगला वीडियो में मिलेंगे।